यस बच्चों, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। फोकल लेंथ एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं बच्चों बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, फोकस की, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? जिसका इनर पार्ट पेंटेड होता है और रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होता है बच्चे? आउटर पार्ट, ये सेंटर होता है। अगर मैं यहां पर रेज डालता हूं तो क्या होगा बता सकते हो? यस, अगर मैं यहां पर रेज डालूं तो क्या होगा बच्चे? कन्वेक्स मिरर में टकराएंगी रे, ऐसे जाएंगी बच्चे। हाँ जी बच्चों, क्लियर। अब ये रेज कहां से आती हुई नजर आ रही है बच्चे? यहां से आती हुई नजर आ रही है। एक मिनट, ये जो रेज हैं बच्चे हमें आती हुई नजर आ रही हैं पीछे से, यानी यहां से आती हुई नजर आ रही। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस कैपिटल एफ। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फोकल लेंथ। तो लिखो हाँ जी बच्चों, लिखो इसमें अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दिस पॉइंट is called the focus F and its length is called focal length। इसको बच्चों लिख लो जल्दी से। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नोट, इसमें बच्चों मुझे बता सकते हो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पहला पॉइंट सर पॉजिटिव। ओह वेरी गुड, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो फोकल लेंथ, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is always positive। दूसरा पॉइंट बोलो बच्चे। अब ये रियल होगी या वर्चुअल होगी? वर्चुअल का मतलब होता है जो हमें ड्रॉ करना पड़ रहा है, हमें लग रहा है यहां से आती हुई नजर आती हुई यहां से आ रही है, रियलिटी में नहीं आती।
हमें लगता है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। तो लिखते हैं फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है बच्चे वो वर्चुअल होता है। अब ये कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, ये रेज को देखो बिखेर रहा है, दूर दूर कर रहा है। देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज क्या जा रही है, दूर दूर जा रही है बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, रेज को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है? हाँ जी बच्चों, डाइवर्ज। तो कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को नाम देते हैं डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। दैट्स इट बच्चे, फटाफट नोट कर लो इसको। हाँ जी बच्चों, नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लिया तो आगे चलूं। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया, आगे चलूं, रब कर रहा हूं मैं इसको। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। याद कर लो, फोकस जो फोकल लेंथ होती है बच्चे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो फोकल लेंथ को दुगना कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। यहां तक देख लो, अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। अगला टॉपिक है रे डायग्राम्स। फोर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हमने इमेजेस फॉर्म करने के लिए रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहला रूल है, अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये मिरर है, ये मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया। बच्चों सबसे पहला रूल है, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं तो सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखते हैं तो इमेज कहां फॉर्म होती है, किसी को पता है इसके बारे में? अगर ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो इमेज कहां फॉर्म होती है, किसी स्टूडेंट को पता है ये? हाँ जी बच्चों, देखो आपने याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखेंगे तो जो इमेज फॉर्म होती है वो बिटवीन एफ और सी में फॉर्म होती है। इमेज यहां पर फॉर्म होगी बच्चे बिटवीन एफ एंड सी में, और ये जो इमेज होगी एफ और सी में बनेगी, ये इमेज का साइज छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज बड़ी छोटी है। तो यहां लिख सकते हो, आपको एक तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, दूसरा जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी,
diminished. तीसरा वो real बनेगी and inverted बनेगी, actual में वो बनेगी और उल्टी बनेगी. उल्टी बन रही है बच्चे ये इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है. अब इसको बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये मैंने आपको रूल समझा दिए बच्चों इमेज के, जो इमेज फॉर्म होगी वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी. ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है बच्चे. जो ऑब्जेक्ट है सी से पहले रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, सी एंड एफ में बनेगी और छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी. किसी को कोई डाउट है यहां तक बच्चों? हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है? अब मैं आपको एक चीज बच्चों बताना चाहता हूं, आप एक चीज को याद कर लो. अगर किसी भी रे को आप पोल पर डालोगे तो पोल पर टकरा के उसी एंगल पर वापस आ जाती है, ये पहला रूल है. दूसरा रूल बच्चे आप याद कर लो, अगर किसी रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हो तो वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है. तीसरा रूल बच्चे आप याद कर लो, अगर किसी रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल छोड़ते हो तो ये टकराने के बाद फोकस से पास होती है. ये तीन रूल है, पहला दूसरा एंड तीसरा. ये तीनों रूल देख लो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों? बच्चों दोबारा फिर सुनो, अगर किसी रे को पोल पर डालोगे जिस एंगल पर डालोगे उसी एंगल पर टकरा के वापस आ जाएगी. दूसरा रूल सुन लो, अगर रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हो तो वहीं से टकराकर उसी रास्ते से वो वापस आ जाएगी. तीसरा रूल समझ लो, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके रे पैरेलल है तो टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी. ये तीन रूल सभी को क्लियर है बच्चों? इन तीनों में से कोई दो रूल यूज करके हमने इमेज बनानी है, कोई भी दो रूल यूज करके. तो मैं यहाँ पर दो रूल यूज कर रहा हूँ और इमेज बना रहा हूँ बच्चों. सबसे पहला रूल है कि मैंने रे यहाँ से निकाली ऑब्जेक्ट से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से पास होती है बच्चों बताओगे? हाँ जी वो पास होगी फोकस से. दूसरा मेरा पॉइंट है, अगर रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई है बच्चे तो वो मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिरर है पूरा, टकराने के बाद उसी रास्ते से वो वापस आ जाएगी. तो ये एक इमेज बन गई, ये इमेज रे डायग्राम से बना दी मैंने. आपको रूल क्लियर हो गया बच्चों? पहला रूल सभी को क्लियर हो गया? भाई बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग, सो जाते हो क्या पढ़ते पढ़ते? यस सर. मानवी, और मानवी यस सर, और तू गेम गुम कुछ खेलने खुलने लग जाती है क्या? क्या पढ़ती है? नहीं सर. फिर बोला कर, एक्टिव हुआ कर, पता तो लगे क्लास में पढ़ती है. ओके सर. मैं रख कर रहा हूँ, ये नोट कर लिया बच्चे फर्स्ट रूल. ये सर कर लिया, तो वन बाय वन करवा रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो आपने एक एक रूल बड़े अच्छे ढंग से नोट करना है और समझना है और लिखना है. मैं आज आपको सारे रूल्स ही कवर करवाऊंगा, अगली क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको. कंकेव मिरर के रूल करवा रहा हूँ अभी आपको, मैं रब कर रहा हूँ बच्चे इसको. किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए ये तीन रूल में से कोई भी एक रूल यूज कर सकते हैं, ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड रूल है ये तीन. तो सेकंड है, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है. ये मिरर है बच्चे मेरा, कॉनके मिरर. ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पता कहाँ रखा? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये है फोकस. अब मैंने इसकी इमेज बनानी है, इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी.
सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? एट सी। इमेज कहां बनेगी, कोई बता सकता है? इसकी इमेज कहां बनेगी बच्चे? मैं आपको बता दूं, इमेज अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है तो इमेज भी सी पर ही बनती है। और दूसरी बात, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की इमेज बनती है, तो इमेज जो फॉर्म होगी एट सी ही होगी। दूसरा पॉइंट, सेम साइज होगी। तीसरा पॉइंट, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड साथ साथ जाते हैं, जहां रियल वहां इन्वर्टेड। अब इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, कैसे बनी ये। मैंने तीन रूल बताए थे, याद है सभी को? तीन रूल में से कोई भी दो रूल यूज करके हम इमेज बना सकते हैं। सबसे पहला रूल, हां जी बच्चों, सबसे पहला रूल कि आप रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल छोड़ दो तो वो टकराने के बाद कहां से पास हो जाती है? फोकस से। पहला रूल क्लियर बच्चों, समझ आया पहला रूल? अब दूसरा रूल, मैंने तीन में से कोई भी दो रूल यूज करके इमेज बनानी है। मैंने तीन रूल बताए हैं बच्चे आपको। दूसरा रूल यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं रे को पोल पे डालू, ये मैं पोल पे डालता हूं, तो वो टकरा के उसी एंगल से वापस आ जाएगी और ये इस पॉइंट पर मिल जाएगी, यहां पर इमेज बना देगी, ये बनेगी इमेज, ये ऐसे इमेज बना। ये दूसरा रूल, दूसरी रे डायग्राम याद कर लो फटाफट बच्चे। इसके बाद तीसरी देखते हैं अपने आप अगर कोई बना सकता है। तीसरी रे डायग्राम कहां बनेगी? पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले था, फिर इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया। अब कहां आएगा, कौन सा पॉइंट होगा बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये वाला पॉइंट है। ऑब्जेक्ट जो पड़ा है बच्चों, वो पड़ा है बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज का क्या हालचाल होगा, कोई बता सकता है? इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी? मैं बताऊं, इमेज सी से पहले बनेगी और दूसरी बात बड़ी बनेगी। तो लिख लो, इमेज बियॉन्ड सी, दूसरा लार्ज साइज, तीसरा रियल एंड इनवर्टेड। अब बनी कैसे, उसका रूल बता रहा हूं बच्चों कैसी बनी। एक रे निकाली, फोकस से पास हुई तो ये यहां पर मिल गई। अब दूसरी रे निकालेंगे बच्चों, पोल पर डालेंगे, ये टकरा के यहां मिल गई, तो ये इमेज। हां जी बच्चों, इस रूल में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं डाउट तो मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट रूल, ये मेरा दूसरा था, ये तीसरा है। पहले वाला पहला था, इससे पहले वाला पहला, दूसरा तीसरा। अब मैं फोर्थ करूंगा। फोर्थ में कहां रखूंगा बच्चे ऑब्जेक्ट, बता सकते हो कोई? फोर्थ में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? पहले मैंने सी से पहले रखा था, अगले में मैंने सी पर रखा, फिर मैंने सी और एफ पर रखा, अब मैं कहां पर रखूंगा ऑब्जेक्ट? हां जी बच्चों, अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। फिफ्थ रूल है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, कोई बताएगा? ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है, पहले मैंने सी और एफ के बीच में रखा था, अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एनी स्टूडेंट? अब ऑब्जेक्ट को बच्चे फोकस पर रखेंगे, तो इसकी इमेज बतानी है कहां होगी। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है बच्चे? एट फोकस। इमेज कहां बनेगी बच्चे, कोई बता सकता है? इमेज कहां बनेगी,
एनी स्टूडेंट इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी बच्चे। इसके बनाने के तरीके क्या हैं? रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पहले डालो, फोकस में से पास करो, ऐसे जाएगी। दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालो या आप पोल पर डालो, पोल पर डालने के बाद रे भी पैरेलल चली जाएगी। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाएगी बच्चे? इन्फिनिटी पर। इमेज एट इन्फिनिटी। तो लिखो यहां पर इमेज जो फॉर्म होगी वो कहां फॉर्म होगी बच्चे? इन्फिनिटी पर। दूसरा, हाँ जी बच्चों, वेरी लार्ज इन साइज हो जाएगा। जो इन्फिनिटी पर होती है चीज उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, है ये उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड भी आप कह सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो बच्चों आप। गैविश डोर बंद कर दे। बच्चों किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो आप? नो सर। ओ वेरी गुड बच्चे, तो सिक्स्थ रूल डोर बंद कर दे, डोर बंद कर दे। तो इसके बाद अगला रूल बच्चे कौन सा होगा, कोई बता सकता है? अब मैंने कौन सा रूल रह गया पढ़ने वाला? अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बच्चे? सर बिटवीन पी एंड एफ। Oh, very good. अब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे। बच्चे ये रूल एक स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल है ये बच्चों, एक कॉनकेव के लिए एक स्पेशल रूल है। इस रूल का, इस रूल की प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सभी की सेम थी। बाकी सभी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म हो रही थी। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो बच्चे, बाकी सभी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी, लेकिन ये एक स्पेशल केस है कॉनकेव मिरर का, जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इमेज सीधी बनेगी बच्चे। तो इसमें इमेज कहाँ बनती है, ये एक अलग रूल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एक स्पेशल रूल है। इसमें जो इमेज बच्चों बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, और उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा होता है। इमेज, ये इमेज बनी है। तो लिखो ऑब्जेक्ट कहां पर था बच्चे? ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहां बनी बच्चे? हाँ जी बच्चों बोलोगे कोई? बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड, बिहाइंड द मिरर। इसके बाद बच्चों मुझे ये बताओ, ये रियल है या वर्चुअल है? ये वर्चुअल है। जो वर्चुअल है बच्चे, जो सीधी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी है। तो लिख लो यहां, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दो वर्ड साथ में होते हैं, जहां सीधा यहां वर्चुअल, जहां उल्टा वहां इन्वर्टेड, जहां उल्टा वहां इन्वर्टेड, जहां सीधा वहां वर्चुअल। ये यहां रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ये साथ साथ होते हैं। सीधा आया तो वर्चुअल होगा, उल्टा आया तो रियल होगा, ये याद कर लो। अब इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, ये इमेज बनी कैसे। आपने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल ली, अब ये इमेजिनरी फोकस से पास होगी ऐसे, और ये कहां से आती हुई नजर आएगी? पीछे से। और एक दूसरी रे निकालेंगे बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल ली, यहां से टकराई, वापस आई और पीछे से आती हुई नजर आई। फटाफट नोट कर लो बच्चे ये सारे रूल्स। हां जी बच्चों कर लिया नोट यहां तक? रब कर रहा हूं मैं इसको।
यस सर कर रहा हूं बच्चे अब ठीक है एसी बंद कर दो कंक्लूजन बच्चे कनकेव मिरर के लिए कंक्लूजन समझना क्या होता है ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हमेशा हमने लेफ्ट साइड पे रखना होता है ये राइट साइड है सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एफ क्या होता है फोकल लेंथ क्या होती है इसके लिए हां जी बच्चों फोकल लेंथ क्या होती है इसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ओह वेरी गुड कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव बच्चों बहुत बड़ा कंक्लूजन दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पर रखेंगे हमेशा लेफ्ट पर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा यहां पर यहां पर यहां पर हमेशा लेफ्ट पर पड़ा होगा तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा यू बोलते हैं बच्चे लिख लेना डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट कॉल्ड यू डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज कॉल्ड वी बच्चे सभी केसेस में जो मैंने अभी किए उसके अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर पड़ा था इसलिए यू हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बच्चे यू हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ बच्चे रामू ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए कहां जाएगा लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है बच्चों लेफ्ट ओह वेरी गुड तो यू क्या होगा नेगेटिव यस बच्चे तीसरा वी क्या हां होगा अब सारे केसेस में देखो लास्ट स्पेशल केस को छोड़ के सारे केसेस में देखो इमेजेस कहां बन रही है लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है तो लेफ्ट पे ओह वेरी गुड तो वी हमेशा नेगेटिव होगा एक केस को छोड़ के एक्सेप्ट कौन से केस को सर बिहाइंड द मिरर वाला व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल यस बच्चे क्लियर है कि नहीं यस सर इसके बाद बच्चे हमारे पास ये मेन तीन मैंने आपको कंक्लूजन बताए हैं ये मेन तीन कंक्लूजन है इसको नोट कर लो बच्चे एक इसके बाद यूज लिखना इसमें इसके बाद यूज लिखना कनके मिरर के हाँ जी यहां तक लिख लिया सबसे पहला यूज यस सर कनके मिरर फर्स्ट यूज कनके मिरर यूज इन सोलर फर्नेसेस बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर इसकी नेचर कन्वर्जिंग होती है ना बच्चे तो इसलिए इसको सोलर फर्नेसेस में यूज किया जाता है दूसरा कॉनके मिरर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में हर साल पूछा जाता है किस मिरर को शेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कनके मिरर को शेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है बिकॉज बता सकते हैं कोई रीजन इट शोज अ हां जी बच्चों अभी भी बता सकते हो किसी को पता हो
हाँ जी बच्चों बता सकते हो, किसी को पता हो कि वो इसको शेविंग मिरर में यूज कर सकते हैं। रूल नंबर मैंने आपको करवाया था, हिंट बता देता हूं अगर आप वहां से देखकर बता सकते हो। रूल नंबर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, रूल नंबर थर्ड देखकर बता सकते हो। रूल नंबर जो थर्ड मैंने आपको ड्रॉ करवाया था, ऑब्जेक्ट को मैंने जब सी और एफ में रखा तो इमेज क्या बनी थी? हाँ जी बच्चों, इमेज क्या बनी थी जल्दी बोलो। जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी और कैसी बनी थी? बियॉन्ड सी, और बड़ी बनी थी, रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं शेविंग मिरर में, बिकॉज इट शोज अ मैग्नीफाइड, लिखो आगे, इट शोज अ, यहां लिख रहा हूं मैं, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। बच्चों मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट ये वाला केस नहीं, ये वाला दूसरा केस था, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट वाला। कौन सा केस था मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट वाला? जब फोकस से पहले रखते थे तो ये वाली इमेज बनती थी, बड़ी वाली। मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट स्पेशल केस, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ योर फेस व्हेन योर फेस When your face, हाँ जी बच्चो, is between, किस किस के बीच में होगा? Is between the pole and focus of the mirror. These are also used by a dentist. These are also used by dentist to see an enlarged image of teeth. बच्चों पता लग गया special you, जो मैंने आपको बताया था rule, उसका क्या significant है? Special rule की वजह से कॉनकेव मिरर को किस लिए यूज किया जाता है? शेविंग के लिए यूज किया जाता है, प्लस कौन यूज करता है? डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं ड्यू टू दिस स्पेशल केस। हाँ जी बच्चों क्लियर? यस सर। ओह वेरी गुड बच्चे, इसके बाद आगे लिखो, मैं आपका एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूं बच्चे। थर्ड यूज, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, कार हेडलाइट, सर्च लाइट, to guide the powerful rays to longer distance। ये भी लिख लेना बच्चों, इसको headlights में use किया जाता है। ये ENT doctors भी इसको use करते हैं। It is also used by ENT doctors, ear, nose और throat वाले doctors use करते हैं बच्चे इसको, to focus light in the ear or nose, that's it बच्चे। यहां तक देखो आपको समझ आ गया बच्चों, मैंने कॉनकेव मिरर आपको पूरा कवर करवा दिया। इसके बाद वी आर स्टार्टिंग आर
कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी बच्चों, इसके बाद मैं कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करवा रहा हूं। अगर आपको समझ आया यहां तक सर। हाँ बच्चे। सर जॉन साहब ने ग्रुप में मैसेज भेजा था कोई पॉलिसी आईसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, और उसमें 16th पॉइंट ये था कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस सेकंड टर्म में नहीं आएगा। हाँ बच्चे बिल्कुल। सर जॉन साहब फिर हम अब कर रहे हैं वो सेकंड टर्म में कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इट विल बी इंप्लीमेंटेड विद इन अ 2 ईयर, तो अभी तो आपकी जैसे स्टडी चल रही है वैसी होगी। इट विल बी इंप्लीमेंट आफ्टर 1 ईयर, यानी यू कैन सी नेक्स्ट ईयर से हो सकती है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2022 से हो सकती है। ओके सर। अभी तक तो आपका पैटर्न वही चलेगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा चेंजेस होंगी, सिलेबस सारा चेंज हो जाएगा। जो आपका थ्रेटिकल सिलेबस अब चल रहा है उसका 50% थ्रेटिकल सिलेबस रह जाएगा बच्चे, 50% उसमें प्रैक्टिकल आ जाएगा और आपकी पूरी बुक्स चेंज हो जाएंगी सारी की सारी। आपकी जो बुक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आप 9th स्टैंडर्ड से अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। आइदर आप कहते हो मुझको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपने 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, आपका मैथ में इंटरेस्ट है आप मैथ पढ़ सकते हो। आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपकी पूरी स्टडी चेंज हो जाएगी, पूरी आपकी बुक्स चेंज हो जाएंगी, सारा करिकुलम चेंज हो जाएगा बच्चे। सर प्लस वन प्लस टू में भी होगा? हाँ बिल्कुल, प्लस वन प्लस टू में भी होगा। और ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर चेंज हो या उससे नेक्स्ट ईयर, मुझे तो लगता है ये इसको टाइम लगेगा 2022 तक चेंज होगा ये सिलेबस, क्योंकि ये सारी बुक्स दोबारा बनेंगी, सारा सिलेबस चेंज हो जाएगा। जो चीजें आप बच्चे अब 10th के बाद 11th में आके चूज करते हो स्ट्रीम मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स, वो आपको 9th में चूज करनी होंगी। 9th में आपने अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसी को ही आपने स्टडी करना है जो आप करोगे। यस सर। ठीक है बच्चे, मैं रब कर दूं इसको? यस सर। ओके, तो बच्चे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया था। इसकी रूल्स, इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले तो इसके 3 रूल्स हैं बच्चे, ये 3 रूल्स आप जरूर लिख लेना। सबसे पहला रूल है कॉन्वेक्स मिरर का, अंदर वाला सरफेस पेंटेड होता है ये आपको पता ही है। अगर मैं रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालूं तो रे ऐसे जाएगी इधर को, और ये कहां से आती नजर आएगी, यहां से, इसको क्या बोलेंगे, फोकस। दूसरा रूल बच्चे ये है, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे मैंने ऐसे डाली और टकरा के वापस आई, ये कहां से आती नजर आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दूसरा रूल है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको 2 रूल। ये तीसरा रूल है, अगर आप पोल पर डालोगे तो पोल पर ही टकरा के वापस आए। ये 3 रूल है बच्चे, इससे आप इमेज बना सकते हो। सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहला इसमें बच्चे 2 ही हैं, इसमें ज्यादा है ही नहीं। पहले वाले में तो 6 थे रूल, इसमें 2 रूल ही हैं। ये मिरर है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को आपने पोल से दूर रखना है बच्चे, और इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी जो बच्चे इमेज बनेगी उसके लिए आपने याद रखना है, इससे इससे जो इमेज बननी है वो मिरर के राइट साइड पर बनेगी और वो छोटी बनेगी। तो मैं यहां पर बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है बच्चे, बियॉन्ड पी पड़ा है, इमेज कहां बनेगी बच्चे? हां जी बच्चों, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, और कैसी बनेगी, स्मॉल इन साइज बनेगी, और कैसी बनेगी बच्चे,
हाँ जी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ये नोट कर लो। इसको बनाने का तरीका क्या है, रे ऐसे डालो, ऐसे टकरा के ऐसे जाएगी तो ये फोकस से आते हुए नजर आ जाएगी। और दूसरा रूल, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करवाते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ना करा करो, पोल वाला कर लिया करो। अगर आप इसको पोल पर डालोगे तो पोल से ही वापस और इमेजिनरी यहां से आती नजर आ जाए, ये इमेज बन गई। फटाफट ड्रॉ कर लो। इसका एक रूल ये है, ये आपके मीटिंग कैंसिल हो जाएगी बच्चों, इसको मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा जब लगेगा, ठीक है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर का मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिया, अगला रूल मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, यहां तक ही आपने करना है आज के लिए। ओके बच्चों, ओके सर, ओके बच्चों, बस इतना ही करना है आपने।